डियर स्टूडेंट आरसे एजु हब बांसुर की ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि अपन बात कर रहे थे, टॉपिक चल रहा था अपना विक्टर मेयर मेथड, यानी कि प्राथमिक द्वितीयक एवं तृतीयक एल्कोलों में विभेद करने के लिए जो अपन टेस्ट पढ़ रहे थे उसमें आपने लुकास टेस्ट पढ़ लिया था। सेकेंड जो टेस्ट है उसमें कुछ पॉइंट मैंने बता भी दिए थे विक्टर मेयर मेथड के अंदर, इसका जो रिएक्शन है उसको किस प्रकार से इसको प्रूव करेंगे। यहाँ से देखिए, तो यहाँ से विक्टर मेयर जो विधि है उसमें क्या करते हैं, प्राथमिक एल्कोल, मैंने यहाँ से 1 डिग्री एल्कोल, प्राथमिक एल्कोल, दूसरा मैंने लिया यहाँ से 2 डिग्री एल्कोल, द्वितीयक एल्कोल, और तीसरा मैंने लिया यहाँ से 3 डिग्री एल्कोल। यानी प्राथमिक एल्कोल, द्वितीयक एल्कोल और तृतीयक एल्कोलों की अपन को क्या करनी है, पहचान करनी है। तो सबसे पहले मैंने एग्जांपल के रूप में प्राथमिक एल्कोल लिया यहाँ से CH3CH2OH, यहाँ से द्वितीयक एल्कोल का एग्जांपल क्या हो जाएगा CH3CHCH3OH, और तृतीयक एल्कोल के रूप में मैंने लिया CH3CCH3CH3OH। अब देखो, पहले पॉइंट जो आपका जो एल्कोल है, मैंने बताया था कि 1 डिग्री जो एल्कोल है वो कौन कौन से पदों के अंदर अभिक्रिया करेगा। सबसे पहले अभिक्रिया P प्लस I2 के साथ होगी, तो यहाँ से क्या बनेगा, एल्किल आयोडाइड बनेगा। उसके बाद इसकी रिएक्शन AgNO2 के साथ करवाएंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, नाइट्रो एल्केन बनेगा। उसके बाद इसकी जो नाइट्रो एल्केन जो बनेगा उसकी रिएक्शन HNO2 के साथ करवाएंगे, तो यहाँ से क्या बन जाएगा, नाइट्रोलिक एसिड बन जाएगा। और उस नाइट्रोलिक एसिड के आगे KOH की उपस्थिति में रिएक्शन करवाएं तो ब्लड रेड लाइक कलर, यानी कि जो आपका रुधिर जैसा लाल रंग शो करेगा, तो मैं कह सकता हूँ कि एल्कोल कैसा है आपका, 1 डिग्री एल्कोल। देखिए यहाँ से 1 डिग्री एल्कोल में पहले ही पद के अंदर रिएक्शन किसके साथ करवानी है आपको, P प्लस I, ये आपने पहले बता चुका हूँ मैं पूरे पॉइंट्स कि किस किस के मध्य अभिक्रिया करवाना है। P प्लस I2 का फंक्शन क्या होता है कि जो आपका एल्कोल है उसको किस में कन्वर्ट कर देगा, एल्किल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो यहाँ से बन जाएगा आपका CH3CH2I, एथिल आयोडाइड बनेगा। इसके बाद में जो एथिल आयोडाइड बना है, एल्किल आयोडाइड कह सकता हूं इसको, एल्किल आयोडाइड, इसकी रिएक्शन मैंने करवाई आगे AgNO2 के साथ सिल्वर नाइट्रेट। तो AgNO2 यहां से किस प्रकार से रिएक्ट करता है, यहां से AgI के रूप में क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा यहां से, तो ये कंपाउंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, CH3CH2NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रो एल्केन, इसका नाम क्या हो जाएगा, नाइट्रो एल्केन। इस नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन मैंने करवाई नाइट्रस एसिड के साथ, कैसे देख सकता हूं इसको, ये दोनों H इसको पुल कैसे दिखा दो, H H H, इसको मैंने N डबल बॉन्ड O O H, इसको ऐसे लिख सकते हैं HNO2 को खोल के, क्योंकि H N दोनों ऑक्सीजन मिलके क्या है HNO2, इसका नाम होता है नाइट्रस अम्ल। अब देखो यहां से दोनों H और यहां का ऑक्सीजन H2 क्या हो जाएगा, यहां से रिमूव हो जाएगा, तो ये कंपाउंड कार्बन है यहां से डबल बॉन्डेड नाइट्रोजन के रूप में यहां से जुड़ जाएगा CH3, यहां पे C डबल बॉन्ड N, यहां से OH और ये NO2, इसको बोलते हैं नाइट्रोलिक अम्ल, इसका नाम क्या होता है, नाइट्रोलिक अम्ल। इसकी आगे रिएक्शन KOH की प्रेजेंस में रिएक्शन करवा दे, KOH डालेंगे तो इसमें बेसिक KOH डालेंगे तो इसका जो कलर है वो कैसा जाएगा, रुधिर जैसा लाल रंग, ब्लड लाइक रेड कलर, रुधिर जैसा लाल रंग आ जाएगा, तो मैं कह सकता हूं कि जो आपका एल्कोल कैसा है, 1 डिग्री एल्कोल। यदि आपका 2 डिग्री एल्कोल है और इसकी अभिक्रिया आपने किसके साथ करवाई, P प्लस I2 के साथ करवाई, क्या बनेगा यहां से एल्कोल, एल्किल आयोडाइड में कन्वर्ट हो जाएगा CH3CHCH3, यहां पे ये I, एल्किल आयोडाइड। इस एल्किल आयोडाइड की रिएक्शन आगे किसमें किसके साथ करवाओगे, AgNO2 के साथ, तो यहां से क्या आउट हो जाएगा, AgI बाहर निकल जाएगा, AgI बाहर निकल जाएगा, तो NO2 यहां पे शिफ्ट हो जाएगा CH3CH, ये CH3, ये NO2, इस कंपाउंड का नाम क्या है, नाइट्रो एल्केन। नाइट्रो जो समूह है वो किस पे जुड़ा हुआ है, एल्केन या एलिफैटिक चेन के ऊपर जुड़ा हुआ है, तो इस कारण इसका नाम क्या हो जाता है, नाइट्रो एल्केन। इस नाइट्रो एल्केन की रिएक्शन अब यहां से फिर वापस किसके साथ करवा दे, क्योंकि ये जो इसको मैं एच ऐसे, तो नाइट्रस एसिड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा, तो कैसे लिख सकते हैं इसको, एच एनओ, तो यहां का ओएच और यहां की एच, ओए एच प्लस ओएच माइनस, यहां से आउटपुट हो जाएगा एच2। तो देखो यहां से ये
कार्बन है यहां से नाइट्रोजन के साथ बॉन्ड बनाएगा तो CH3 यहां पे C ये CH3 ये NO2 ऐसे कैसे यहां पे ये N डबल बॉन्ड इसको बोलते हैं स्यूडो नाइट्रो छदम नाइट्रो बनता है यहां से इस कंपाउंड का नाम क्या होता है छदम नाइट्रो अब ये जो छदम नाइट्रो में KOH बेसिक KOH डालेंगे तो इसका जो कलर है वो कैसा आ जाएगा यहां से नीला रंग यानी ब्लू कलर शो करेगा तो मैं कह सकता हूं कि जो आपका एल्कोहल कैसा है 2 डिग्री एल्कोहल और यदि आपने 3 डिग्री एल्कोहल लिया है और उसकी अभिक्रिया किसके साथ करवाई है P+ I2 के साथ करवाई है तो यहां से इसका वही क्या बनेगा एल्किल आयोडाइड बन जाएगा CH3 CCH3 CH3 यहां से I एल्किल आयोडाइड इस एल्किल आयोडाइड जो बना है उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दें AgNO2 के साथ करवा दें तो यहां से क्या बाहर निकल जाएगा AgI बाहर निकल जाएगा और ये NO2 यहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो CH3 CCH3 ये CH3 यहां पे क्या हो जाएगा NO इस कंपाउंड का नाम क्या होता है नाइट्रो एल्केन नाइट्रो एल्केन इस नाइट्रो एल्केन की अभिक्रिया आगे HNO2 के साथ करवाओ HNO2 नाइट्रस अम्ल के साथ तो यहां से HNO2 मैं ऐसे लिख सकता हूं HON डबल बॉन्ड O नाइट्रस अम्ल अब देखो यहां से जो NO2 समूह से जुड़ा हुआ कार्बन ये है इस NO2 समूह से जुड़ा हुआ कार्बन ये है और इस NO2 जो समूह से जुड़ा हुआ कार्बन ये इस कार्बन पे अपन को यदि हाइड्रोजन प्रेजेंट यदि NO2 समूह से जुड़े हुए इस कार्बन पर हाइड्रोजन जुड़ी हुई है तो ये नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगी यदि हाइड्रोजन अनुपस्थित है तो नाइट्रस अम्ल के साथ अभिक्रिया नहीं होगी तो देखो यहां पे दोनों H है तो नाइट्रस अम्ल का जो N डबल बॉन्ड O पोर्शन इधर दिखा दें ताकि आपका H2 आसानी से बाहर निकल जाए इसी प्रकार से देखो यहां पे एक H है तो यहां पे देखो अब H2 बन निकालने के लिए N डबल बॉन्ड O तो कर नहीं सकता इसका मतलब इसको मैं उल्टा ऐसे लिख सकता हूं OH N डबल बॉन्ड O H+ OH नेगेटिव H2 बाहर निकल लेकिन यहां से जो NO2 समूह से जुड़ा हुआ कार्बन ये इस पर हाइड्रोजन तो क्या है अनुपस्थित है इस कारण यहां से अब H2 बाहर निकल नहीं सकता तो यह अभिक्रिया संपन्न नहीं होगी अभिक्रिया नहीं होगी अब अभिक्रिया नहीं होगी तो आगे यदि इस कंपाउंड के अंदर यदि आप KOH डालें इसका कोई कलर नहीं आएगा यानी कि कैसा सॉल्यूशन रहेगा रंगहीन ये कैसा रहेगा कलरलेस रहेगा यदि कलरलेस है तो फिर एल्कोहल कैसा कहलाएगा आपका 3 डिग्री एल्कोहल तो यानी कि इस प्रकार से अपन विक्टर मेयर विधि के द्वारा 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री एल्कोहल का निर्माण कर सकते हैं तो डियर स्टूडेंट मैंने यहां से ये बताया था कि विक्टर मेयर विधि के अंदर निम्नलिखित पदों को शामिल किया जाता है कौन-कौन से पद पहले बात की कि मैंने P+ I2 के साथ अभिक्रिया होगी फिर किसके साथ करवाते हैं AgNO2 के साथ फिर किसके साथ HNO2 के साथ और फिर किसके साथ रिएक्शन करवाते हैं KOH के साथ तो देखो यहां से P+ I2 के साथ करवाइए AgNO2 के साथ करवाइए HNO2 के साथ और लास्ट में किसके साथ करवाइए KOH तीनों ही प्रकार के एल्कोहल है 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल यानी कि एल्कोहल जो है आपके इन एल्कोहलों की अभिक्रिया किसके साथ करवाई आपने P+ I2 और P+ I2 के साथ करवाई तो यहां पे तीनों में क्या बना एल्किल आयोडाइड बनता है उस एल्किल आयोडाइडों की अभिक्रिया आपने किसके साथ करवाई AgNO2 के साथ करवाई तो यहां से क्या बना नाइट्रो एल्कीन बना तीनों के अंदर अब इस नाइट्रो एल्कीन की रिएक्शन नाइट्रस एसिड के साथ करवाई तो यदि आपका जो प्राथमिक एल्कोहल था वो तो किस में कन्वर्ट हो रहा था नाइट्रोलिक अम्ल में और जो आपका नाइट्रो एल्कीन यहां पे बना था उसकी HNO2 के साथ अभिक्रिया करवाई तो किस में कन्वर्ट हो रहा है छदम नाइट्रो जबकि जहां से जो नाइट्रो एल्केन है वो रिएक्शन ही नहीं कर रहा इस परिणामी विलयन के अंदर अंत में क्या मिला दें KOH बेसिक मीडियम के क्षारीय KOH का विलयन डाल दें तो यदि 1 डिग्री एल्कोहल है वो कैसा कलर शो करने लग जाएगा रुधिर जैसा लाल रंग तो फिर कह सकते हैं कि एल्कोहल कैसा है आपका 1 डिग्री एल्कोहल यदि नीला रंग आता है तो फिर कह सकते हैं 2 डिग्री एल्कोहल यदि आपका विलयन कैसा रहता है रंगीन रहता है तो मैं कह सकता हूं कि एल्कोहल कैसा है आपका 3 डिग्री एल्कोहल है इस प्रकार से अपन 1 डिग्री 2 डिग्री एवं 3 डिग्री एल्कोहलों में विभेद कर सकते हैं तो डियर स्टूडेंट आज के लिए बस इतना ही काफी है।